हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर में पीले घुसपैठियों का हमला, लोगों ने थाली वाहन बर्तन बजाकर भगाई, वाहन चालकों को हुई परेशानी। शहर में इन दिनों टिड्डियों के हमले लगातार जारी है। एक दिन पहले जहां ये दल भदवासिया सारा नगर इलाके में था, वहीं आज टिड्डियों का दल शास्त्री नगर व चौपासनी हाउसिंग बोर्ड इलाके में पहुंच गया। टिड्डियों का ये दल आसमान में काफी नीचे था, जिससे वाहन चालकों को भी परेशानी उठानी पड़ी। लोगों ने थाली व अन्य बर्तन बजाकर इन टिड्डियों को भगाने का जतन किया। मारवाड़ में टिड्डी गांव-गांव पहुंच चुकी है और बस हो चुका टिड्डी नियंत्रण विभाग कुछ एक स्थान पर ही इन्हें मारने का अभियान चला पा रहा है। जोधपुर शहर के भदवासिया और आसपास के क्षेत्र में गुरुवार शाम टिड्डियों का एक बड़ा दल पहुंचा। इसके बाद आज सुबह काजरी, शास्त्री नगर और चौपासनी हाउसिंग बोर्ड इलाके में टिड्डियों का एक और दल देखा गया। पीले रंग की टिड्डियां आसमान में छाई रही और लोग अपने बर्तन बजाकर इन्हें भगाने का प्रयास करते रहे। कई लोग अपने घर से बाहर आकर टिड्डी को देखते रहे तो कई लोग थाली व अन्य बर्तन बजाकर भगाने में जुट गए। बता दें कि बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर व पाली जिलों सहित मारवाड़ का कोई भी हिस्सा टिड्डियों के हमले से अछूता नहीं रहा है। बड़ी संख्या में टिड्डी दल पाकिस्तान से सीमा पार कर भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। ढाई माह से इनके हमले थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हालांकि टिड्डी नियंत्रण विभाग पहले ही कह चुका था कि जुलाई माह में इनके बड़े हमले होंगे। इसके लिए एयरफोर्स व निजी कंपनियों के हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, लेकिन हेलीकॉप्टर का उपयोग सिर्फ सुनसान इलाकों में ही किया जाना संभव हो पा रहा है। हेलीकॉप्टर से बहुत घातक रसायन का छिड़काव किया जाता है, ऐसे में आबादी क्षेत्र में इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शीमर की रिपोर्ट।